हेलो एंड वेलकम टू कुक विद प्रेमलता। आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लौकी के कोफ्ता की रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लौकी लिया, लौकी को घीस उसके उसका पानी निकाल लिया है और उसमें ये देखिए मैं बहुत सारा प्याज और सब अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट सब डाल के, या आप उसमें कुछ मसाले भी ऐड कर सकते हैं और सिंपल भी बना सकते हैं। नमक और अजवाइन डाल के मैंने इसमें डाला है और कुछ मसाले भी ऐड किए हैं, जैसे धनिया पाउडर हो गया, जीरा पाउडर हो गया और काली मिर्च है, ये सब मैंने ऐड किया है। और ये बेसन है, आप अपने कोफ्ता का जो लौकी है लौकी के अकॉर्डिंग आप बेसन ले सकते हैं। और ये देखिए मैं मसाले जो ऐड कर रही हूँ, सादा नमक काला नमक दोनों मैंने ऐड किए हैं, जीरा पाउडर है, ये मेरा भुंजा वाला जीरा पाउडर है मसाला जो पीस के रखा है मैंने। तो इसको आप उसी के अकॉर्डिंग आप बेसन डालिए, बेसन को इसमें मिक्स करिए। तो मैंने पानी इसका जो है लौकी का पहले निकाल दिया है, तो उस हिसाब से मैं इसमें बेसन डाली हूँ और ज़रूरत पड़ेगा तो वही पानी मैं इसमें ऐड करूँगी। वैसे मुझे थोड़ा बहुत पानी लगाना पड़ा, ज़्यादा पानी का ज़रूरत नहीं पड़ा इसमें। तो इसके हिसाब से मैंने एक तरफ तेल कढ़ाई में बैठा दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसका कोफ्ता बनाऊंगी। कोफ्ता वही पकौड़ी की जैसे छोटा छोटा, आप चाहे तो इसका आकार छोटा बड़ा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये देखिए मेरा हो गया है और तेल मैंने गर्म करने के लिए बैठा दिया है। तेल अच्छी तरह से कुक ये होना चाहिए, हीट होना चाहिए, तो हीट कुक में हीट में अच्छा होता है। तो ज़्यादा हीट कर दीजिए, फिर आँच उसका कम करके आप पकौड़ी डाल लीजिए, कोफ्ता डाल लीजिए, फिर उसका आँच कम कर दीजिए। फिर जब सारे कोफ्तों को आप डाल देंगे तो फिर आँच तेज करके आप हिसाब से अपना अल्टी पल्टी करके इसका लाल होने तक आप इसको तलिएगा। तो उसके लिए एक कोफ्ता मेरा जब बन जाएगा तो फिर इसका ग्रेवी बनाऊंगी, जो इसका रस होता है वो आप चाहे तो ऐसे ही आप नाश्ता के स्नैक्स के रूप में शाम को सुबह में कभी भी खा सकते हैं, अच्छा लगता है ये। तो आप चाहे तो कोफ्ता ऐसे खाइए या फिर उसका करी बना के खाइए, वो आपकी मर्जी है, पर मैंने दोनों दिखाया है। तो आपको ये कैसे लगेगा रेसिपी आप ज़रूर ऐड करिएगा, बनाइएगा घर पे, ट्राई ज़रूर करिएगा। और ये देखिए बहुत आसानी से बन जाता है, तो आप इसी तरह से छोटा छोटा बनाइएगा, क्योंकि ये फूलने के जब फूल जाता है पक जाता है तो ये अपने आप बड़ा हो जाता है। तो इस हिसाब से आप छोटा छोटा ही डालिएगा, क्योंकि इसको जब हम लोग ग्रेवी पे डालते हैं तो ये बहुत बड़ा फूल जाता है, तो बड़ा बड़ा हो जाता है, तो इसलिए छोटा ही पकौड़ी रखिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और खाने के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा बड़ा ही बना लीजिए। तो इसी तरह से आप बनाइए और स्नैक्स के रूप में भी आप खा सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। चाय के साथ गरम गरम खाइए, और नहीं तो ग्रेवी देखिए इस तरह से लाल करके अलट पलट करके मैंने इसमें बनाया है। और जब ये हो जाएगा तो ग्रेवी का रेसिपी के लिए मैंने बनाया है बहुत सारा प्याज लिया है और दो तीन टमाटर को अदरक लहसुन मिर्च के साथ उसको पीस लिया है। और उसमें आप तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, आपको अगर डालना है तो, इसमें तेज पत्ता का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और इस तरह से देखिए मैंने लाल किया है और इसी तरह से आपको लाल करके अलट पलट करके सेकना है। मैंने एक ही बैच का आपको कोफ्ता बताया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी रेसिपी हो जाती और इसका ये क्लिप बहुत ज़्यादा लंबा अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए मैंने इतना ही बनाया है और इसका दो तीन ए में बना था बैच में, तो मैंने दो तीन बैच दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। तो और ये देखिए मेरा कोफ्ता पूरी तरह से बन चुका था। और ये देखिए दूसरी कढ़ाई में मैं तेजपत्ता और जीरा का फ़ोरन डाली हूँ और ये प्याज है, ये बड़ा प्याज है जिसको मैंने स्लाइस करके रखा है। और अदरक लहसुन मिर्च और टमाटर का पेस्ट मैंने बना के रखा है, आप धनिया काट के अलग से रख लीजिए। और इसमें आप करी पत्ता भी डाल सकते हैं, सबका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें मैंने तेल बहुत ही कम लिया है, क्योंकि कोफ्ता में ऑलरेडी तेल रहता है, पकौड़ी जो तले हैं हमने, तो इसीलिए मैंने इसमें तेल बहुत ही कम लिया है, दो से तीन चम्मच ही तेल लिया है मैंने। और ये देखिए अदरक लहसुन मिर्च का पेस्ट और टमाटर का प्यूरी सब मैंने एक ही साथ डाल देंगे। और इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल दीजिए, क्योंकि इसमें ग्रेवी के लिए ही आपको नमक डालना होगा, क्योंकि कोफ्ता में ऑलरेडी नमक है, तो हिसाब से आप डालिएगा। और इसका
तेल निकलने तक आपको अच्छी तरह से इसका मसाला तैयार करना है। और मसाले में आप नॉर्मल जो मसाले सब्जी वाले होते हैं वो भी डाल सकते हैं, धनिया जीरा का पाउडर भी डाल सकते हैं, हल्दी डालिए, आपको जैसा मसाला आपके घर में अवेलेबल है आप उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। और ये देखिए मैंने, ये देखिए घर का मसाला ही है मेरा, ये मैंने पीस के तैयार करके रखा है। मैं दो तीन तरह का मसाला यूज़ करती हूँ, और ये हल्दी है, और इसको डालने के बाद अच्छी तरह से इसका तेल सेपरेट होने तक अच्छा से इसको भूंजना है, और बस इसका इसमें पानी डाल के इसका ग्रेवी तैयार करना है, और कोफ्ता जो है जो बना हुआ है वो कोफ्ते को इसमें डाल देना है। ज़्यादा इसमें ये नहीं है, थोड़ा मेहनत है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। ये देखिए मैंने इसको ग्रेवी बना दी है, और बस जितना आपको पानी चाहिए उसके अकॉर्डिंग पानी डालिए, और ये कोफ्ता को इसमें सेव करके उबाल के धनिया डाल दीजिएगा। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय। ये देखिए तैयार हो गई। बाय।